हेलो, दिस इज वलीद रऊफ। मेरे साथ है अब्दुल्ला भाई, एक और जिसको कहते हैं वीडियो में आप सबको वेलकम। मैं सिर्फ और सिर्फ एक वीक रह गया है, एक भी एक हफ्ता रह गया दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले के अंदर। हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मेगा मैच। कल हमारी या परसों हमारी मेगा प्रिडिक्शन भी आने वाली है। आपको याद होगा लास्ट टाइम एशिया को भी मैंने प्रिडिक्शन की थी 110%। उसके बाद से मैंने तौबा कर ली, कभी ऐसी प्रिडिक्शन नहीं कर अभी यहाँ ली। पे आपने लिख के लगाया हुआ था। नहीं, अभी इस यहाँ दफा जैसा कहते हैं ना, समथिंग न्यू इज कमिंग, हाँ समथिंग न्यू समथिंग बिग इज कमिंग। तो आप वेट करें कि आने वाले दिनों के अंदर आपको हर चीज में कुछ बिग बिग नजर आएगा। तो और वो उसके लिहाज से बहुत भी चेंज नजर आएगा। बहुत ज्यादा चेंज नजर आएगा। सिर्फ 2 दिन का वेट है, उसके लिहाज से भी प्रिडिक्शन भी जिसको कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा हैवी किस्म की चेंज प्रिडिक्शन सब होगी। कुछ सब डिफरेंट। कुछ डिफरेंट होगा, तो प्रिडिक्शन का वेट करें। आज से इसको कहते हैं ना, हैवी किस्म का काम शुरू हो गया। आज से एक एक चीज को डिसाइड करना है 2 सितंबर के लिए, कौन सी टीम बेहतर है, किसमें क्या चक्कर है। बॉलिंग हम पिछले दिनों डिसाइड कर चुके हुए थे। बॉलिंग में पाकिस्तान को लिवरेज हासिल था क्योंकि पाकिस्तान के हाँ बॉलर इन फॉर्म है, और इंडिया क्योंकि अपने तीनों नहीं, फास्ट बॉलर कभी भी नहीं खिलाएगा, तो इस वजह से बिल्कुल पाकिस्तान के बॉलर्स के पाकिस्तान पास का पेस एडवांटेज सेटाएगा है। आपका नौ नंबर वन ऊपर पे से है। हाँ बल्लेबाजी कर लेते होते हैं, और बिल्कुल नसीम शाह ने ऐसी दिखाया है। ऐसी आज है। हम बात करेंगे जी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की बल्लेबाजी की। बल्लेबाजी का नाम आता है तो 2 ही नामों के बंदों के नाम सबसे पहले जुबान पे आते हैं, एक तरफ कोहली का, दूसरी तरफ बाबर का। बल्लेबाजी पे बाद में बात करेंगे। ये विराट कोहली जो पाकिस्तान के खिलाफ चलता है, इसके ऊपर क्या बात करें, हम क्या कहें। अब्दुल्ला भाई 2 सेंचुरियां, सब कुछ छोड़े, 1000+ रन उसके पाकिस्तान के अगेंस्ट है। इसी के साथ साथ 60+ की एवरेज पाकिस्तान के अगेंस्ट है, 750 तो 2 सेंचुरियां पाकिस्तान के अगेंस्ट है। बिल्कुल ऐसा है विराट कोहली को कैसे कंट्रोल करेंगे, बल्लेबाजी का यार। कंपैरिजन देखें, बाद में करेंगे। अगर बलीद भी देखें, अगर आपने इंडिया के साथ मैच खेल के जीतना है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विराट कोहली का कोई हल किया जाए। अगर आप विराट कोहली 50 भी कर गया ना, तो आगे बहुत बड़ा मसला है। अव्वल तो 50 गया, उसको शुरू में ही आपने आउट करना है। जब वो आएगा तो स्टार्टिंग में ही आउट करना है। अगर वो स्टार्ट में, यानी कि पहले 5-6 रन 10 रन निकल गए ना उसके आगे, तो फिर नहीं वो पकड़ में आता। तो बिल्कुल ऐसा ही बात है। 10 रन बनने से पहले पहले मैं समझता हूँ उसको आउट करना पड़ना है। और मेरा ख्याल है कि ज्यादातर विराट कोहली जो है ना, वो चांस देता भी है। आजकल चांस देता, पहले नहीं देता था, हाँ अब पहले चांस नहीं देता देता, है, हाँ और वो अब आजकल उसका पाकिस्तान चांस ने देता। मिस नहीं करना हाँ चांस। लेकिन ये हमारा रिकॉर्ड है कि हम हमेशा विराट कोहली का चांस मिस करते हैं। वो तो चैंपियंस ट्रॉफी में एक तरफ एक कैच छूटा था, अल्लाह तवक्कल ही अगले बॉल पे कैच आ गया था। वरना अगर कोहली तब भी जम जाता तो फिर पिछले बड़ा एशिया मसला कप में था। आते साथ ही नसीम शाह की नसीम बॉल शाह पे की कैच बॉल पे आया था, हुआ और फजल था, जमान ने कैच तो छोड़ा यही तो था। मैं बात कर रहा हूँ कि कोहली का मौका आता है आपके पास, लेकिन हम खुद भी छोड़ते हैं। हाँ, पिछले वर्ल्ड कप में जो उसने जिताया है इंडिया को, मैच जिताया इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें उसने मौका नहीं दिया था, वो बात देखिए है। एक चीज तो तय है, मैं स्टैट्स देख रहा था जिस मैच के अंदर, जब से बाबर आजम का जमाना आया है, जिस मैच के अंदर बाबर आजम और विराट कोहली में दोनों में से जिसने ज्यादा रन किए हैं ना, वो मैच वो टीम जीती है। जीती है। तो ये अब चीज को माइंड में इससे रखना है, इससे इससे देख लें आप कि ये दोनों प्लेयर जो हैं अपनी अपनी टीम के लिए कितनी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंस ज्यादा रखते जरूरी हैं। है। तो कंपैरिजन की बात करें तो कोहली को तो भाई आउट करना ही करना पड़ना है, तभी कुछ होगा, अदरवाइज कोहली चलेगा तो फिर कहानी वही खत्म हो जाएगी। लेकिन एक और नाम बड़ा खतरनाक है जिसको हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। लास्ट 5 इनिंग्स की बात करूंगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, लास्ट 5 इनिंग रोहित शर्मा की मैं बात कर रहा हूं, 140, 1 सेंचुरी, उससे पहले 1 50, उससे पहले 0 पे आउट वही चैंपियंस वलीद ट्रॉफी के भाई, अंदर, और देखें उससे पहले एक और बिल्कुल 91। ऐसे वही वलीद भाई, रोहित शर्मा जो है ना, वो ओडी, आप बेशक उससे बात कर लेंगे T20 में फर्क हो रहा है, बेशक वो टेस्ट में फर्क हो रहा है, लेकिन वो ODI का बहुत बड़ा प्लेयर है। और रिसेंटली उसने ODI सेंचुरी भी बिल्कुल मारी हुई ऐसी है, है। ODI का वो बहुत बड़ा प्लेयर है। हम रोहित शर्मा को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते ODI में। और इसके अलावा हम शुभमन गिल को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसके रिकॉर्ड्स इंडिया में बहुत अच्छे हैं और वो प्लेयर भी अच्छा है। अगर वो चल जाता तो वो चल भी जाता। ये आप तारीफ कर रहे हैं मैं उसकी। नहीं, बात रियलिटी है ना, रियलिटी को फेस करना चाहिए वलीद भाई। देखें, मैं मुझे इतनी उम्मीद नहीं है कि वो श्रीलंका में चलेगा, लेकिन अगर वो चल गया ना तो वो फिर मारेगा भी। तो अगर बात करें कंपैरिजन की, तो सबसे पहले टॉप 3 का कंपैरिजन करते हैं ना। एक तरफ है गिल, रोहित और विराट, दूसरी तरफ है इमाम, फकर और बाबर। तीनों के तीनों दोनों टीमों के पास दिग्गज खिलाड़ी हैं। इनके स्टैट्स ही नहीं मान, इनकी एवरेज 50+ पे जाती होती है। सबसे पहले बात करते हैं गिल की। गिल ने 2023 के अंदर 12 मैचेस खेले हैं, 750 रन किए हैं, 750, 208 हाईएस्ट है, और 68.18 की एवरेज है शुभमन गिल की। अगर बात करें दूसरी तरफ पाकिस्तान का, जिसके साथ कंपैरिजन बनता है, उसका नाम है जी, फकर को चूज करेंगे या इमाम को, नहीं, फखर को कर ले फकर इसको। को कर लेते हैं जी। फकर जमान ने 10 मैचेस खेले हैं अभी तक,
532 रन स्कोर फकर जमान ने भी किए हुए हैं, 70 प्लस का एवरेज है। फकर जमान पीछे नहीं, फकर जमान का एवरेज ज्यादा है क्योंकि फकर जमान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 3 सेंचुरियां मारी हुई हैं। इसी के साथ साथ 180 फकर जमान ने भी मारा हुआ है, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो ये चीज भी माइंड में रखनी है कि फकर जमान और गिल जिसको कहते हैं ना, अगर दोनों में से कोई भी चल जाए अपनी टीम के लिए तो मैच वो टीम जीत जाती होती है। ये कंपैरिजन भाई, ओपनिंग तो दोनों के लिए बड़ी जरूरी है, जिसकी ओपनिंग चल गई उसका मैच वो फंसा देगा। लेकिन बात सिंपल सी कहूंगा ना, फकर जमान इस फॉर्म के अंदर है ना, गिल इस गिल फॉर्म में है, बिल्कुल सही है। लेकिन लेकिन बुलीद भाई आप एक चीज बोल रहे हैं, फकर जमान जो है ना वो बड़े मैच मैंने नोट किया वो अक्सर चल जाता है, और मेजोरिटी वो इंडिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में चल गया, वो अक्सर मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल गया, तो वो बड़े मैचेस में चल जाता है। देखिए मैं समझता हूँ कि इस मुकाबले के अंदर ना फकर जमान को लिवरेज हासिल है, क्योंकि मैं बताता हूँ, एक तो गिल बाहर बड़ा मुश्किल चलता है, ऊपर से श्रीलंका के अंदर गिल के लिए एक्सपीरियंस बड़ा मुश्किल होगा। फकर जमान ऑलरेडी वहां की कंडीशन में है, इंडिया में बहुत अच्छा खेलता है, तो श्रीलंका में मुझे थोड़ा डाउटफुल है कि वो खेलता है कि नहीं खेलता सही, तो मेरा ख्याल है कि फकर जमान थोड़ा सा बेहतर है। गिल से मैं कहूंगा तो फकर जमान जिसको कहते हैं ना ऊपर चल रहा है। अगर बात करें हम रोहित शर्मा वर्सेस इमामुल हक की, क्योंकि दोनों ओपनर है, अब इमाम ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन मैं एक चीज दोबारा से कहना चाहूंगा, इमाम मैच फिनिश करके नहीं आता, इमाम मैच को बीच रस्ते में छोड़कर आ जाता है। पिछले मैच में भी देखा, इस मैच में भी देखा, इससे पहले भी हमने देखा हुआ है। रोहित शर्मा ने 2023 के अंदर 9 मैचेस खेले हैं, 383 रोहित शर्मा के भी रन्स है, 101 रोहित शर्मा ने भी मारा है, 47.81 की एवरेज रोहित शर्मा की। अगर बात करें इमामुल हक की तो 7 मैचेस इमामुल हक ने खेले हैं, इमामुल हक ने 343 रन स्कोर किए, 91 इमामुल हक का हाईएस्ट है, 40 प्लस की एवरेज है। दोनों के स्टैट्स थोड़े बहुत साथ साथ ही है, उसके ज्यादा मैचेस हैं, इसके कम मैचेस हैं। लेकिन बात अगर करें कि दोनों के मुकाबले के तो मैं समझता हूँ रोहित शर्मा ओडीए का ज्यादा बड़ा प्लेयर है। रोहित शर्मा भाई इमामुल हक के साथ तो इतना कोई कंपैरिजन नहीं बनता, रोहित शर्मा ने बहुत बड़े बड़े मैचेस में बहुत बड़े बड़े परफॉर्मेंस दी भी है, खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी भी है, तो मेरा ख्याल है इस मुकाबले में रोहित शर्मा ही आपको एक गिल वर्सेस फकर में फकर है, रोहित शर्मा वर्सेस इमाम के अंदर रोहित शर्मा को दे रहे हैं, क्योंकि भाई टू भी होना सच्ची बात है कि ओडीए के अंदर अगर आप स्टैट्स देखो अगेंस्ट पाकिस्तान तो रोहित शर्मा पीछे है, और लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा, हम यहाँ पे अगर आप इन तीनों की, हमारी पाकिस्तानी टीम में और तीनों की इंडियन टीम में जो ये हैं, अगर आप इनका कंपैरिजन पावर हिटिंग में करें ना, तो फिर हमारा चांस कोई नहीं, उनके हमारा सिर्फ फकर जमान के अलावा कोई पावर हिटिंग नहीं, और वो भी सेट होने में अच्छा खासा टाइम लेता है, क्योंकि आपका गिल भी छक्का मार लेता, आपका रोहित भी मारता, आपका विराट भी मारता, नीचे तो उनके पास है ही है, अब हमारे पास नहीं है ना यार, हमें पावर हिटिंग की बड़ी कोशिश करनी है। मैं कहता हूँ कि अगर अभी जो आगे अफगानिस्तान का मैच है, इसमें तेज खेल के पावर हिटिंग मुझे लगता है बहुत सारे चेंजेस होंगे, और इसी के साथ नंबर 3 के ऊपर आते हैं जी, दो दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली वर्सेस बाबर, ये बड़ा इनका कंपैरिजन सबसे मुश्किल, क्योंकि दोनों ने खेले 2023 के अंदर 10-10 मैचेस, कल बाबर आजम 11वां खेल लेगा, 427 रन है विराट कोहली के 10 मैचेस के अंदर, 166 हाईएस्ट अगेंस्ट था, मेरा ख्याल है श्रीलंका था, श्रीलंका के अगेंस्ट मारा था या न्यूजीलैंड के साथ, श्रीलंका के अगेंस्ट था, 53.37 की एवरेज है। बाबर आजम 10 मैचेस 478 रन, बाबर आजम के थोड़े रन आते हैं, 104 बाबर आजम का हाईएस्ट है, बाबर आजम की भी जो एवरेज है वो है जी 52 के लगभग आसपास। अब ये बहुत मुश्किल काम है, हाँ ये कंपैरिजन बहुत ज्यादा मुश्किल है, अगर आप इन स्टैट्स को देख के कंपैरिजन करें ना तो ये तो भाई दोनों 50-50, क्योंकि देखिए ना एक तरफ है विराट कोहली ने भी दो बड़ी खतरनाक फॉर्म के अंदर आया हुआ है, बाबर आजम फॉर्म के अंदर है भी नहीं भी है, नहीं भी है, हाँ, ये बड़ा मसला है, क्योंकि बाबर आजम के श्रीलंका के अंदर एवरेज सबसे ज्यादा कम है, ऐसे ही है, ये भी आपको माइंड में चीज रखनी है। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा मौका है इस जो रिकॉर्ड को चेंज करना चाहिए बाबर को, और कल अगर बाबर चलता है तो मेरा ख्याल है कि कॉन्फिडेंस उसका बहुत हाई होगा और वो एशिया कप में भी अच्छा परफॉर्म कर लेगा। कल के मैच पे बहुत डिपेंड करते हैं हम, कल का मैच बिल्कुल ऐसी है, कल का मैच हमें बहुत और जो चेंजिंग होंगी वो भी देखनी पड़ेगी। मैं अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं जिसको कहता हूँ ना विराट कोहली अगेंस्ट पाकिस्तान हमेशा से कहता है अपर हैंड रहता है, तो इसमें से मैं विराट कोहली को पिक करूंगा, क्योंकि बाबर आजम को T20 के अंदर बड़ा चला, लेकिन उसके बाद लगातार 3 दफा फ्लॉप हुआ है, 2 दफा एशिया कप के अंदर और 1 दफा वर्ल्ड कप के अंदर, तो ये सबूत है कि बाबर आजम मैचेस में चलता तो बाबर आजम को जरूर कहते हैं कि इंडिया के खिलाफ चलता है, लेकिन विराट कोहली चलता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो यहाँ पे विराट कोहली को पॉइंट मिलेगा। टॉप 3 में से एक पाकिस्तानी 2 इंडियंस हो गए। नंबर 4 की अगर बात करें, मिंडो रोलर की सीधी सीधी बात करते हैं ना, देखिए अब्दुल्ला भाई टॉप 3 तो हमारे बहुत अच्छे हैं, जब बात आती है ना बीच के बल्लेबाजों की,
यहाँ पे आके भाई, भाई जो कल के मैच में मिडल मारे, मिडल ऑर्डर ने धोखा दिया ना, मैं तो आप यकीन करें मैं डर गया हूँ, लेकिन मुझे फिर भी अभी भी ना थोड़ी बहुत उम्मीद है सलमान अली अगर। मैं समझता हूँ कि 4-5-6 का तो हमें मुकाबला करना ही नहीं चाहिए, नंबर 7 पे डायरेक्ट आता है शादाब खान के ऊपर, क्योंकि 4-5-6 पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं, ना रिजवान कुछ कर रहा है, ना इफ्तिकार अहमद, ना सलमान अली। रिजवान ने पिछले मैच में थोड़ी परफॉर्मेंस दी, पिछले से पिछले यानी जो पहला था 30 कुछ किया था। देखिए ना मैच जितवाना पड़ेगा ना, ये नंबर 4 की पोजीशन आपको मैच फिनिश करके आना चाहिए। दूसरी तरफ इंडिया का हमें पता नहीं है 4-5-6 है कौन से, अब तो पता चल गया श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने कल के दिन, परसों के दिन 199 रन से स्कोर किए प्रैक्टिस मैच के अंदर, 199 नंबर 4 के ऊपर वो खेलेगा, तो वो जिसको कहते हैं ना केएल राहुल का पता नहीं, लेकिन वो बड़ा मुझे खतरनाक नजर आया। तो नंबर 4 के ऊपर रिजवान वर्सेस श्रेयस अय्यर का मुकाबला। केएल राहुल भी ओडीआई प्लेयर बड़ा अच्छा है। हां वो तो है, लेकिन उसका प्रॉपर फिट है कि नहीं ये बड़ा मसला है ना केएल राहुल का, ये जिसको कहते हैं ना इशू केएल राहुल के साथ आता है। लेकिन अगर बात करें ना 4-5 की, तो एक तरफ है हमारे पास रिजवान, तो दूसरी तरफ है उनके पास जिसको कहते हैं श्रेयस अय्यर, एक तरफ है हमारे पास नंबर 5 के ऊपर चाचा इफ्तिकार अहमद, दूसरी अच्छा, तरफ है केएल राहुल भाई कल। हाँ इसमें अब देखे ना ये कंपैरिजन तो बनता नहीं है, ये मैं तो फिर यहाँ पे इंडिया को ही पिक करूंगा। और एक और मैं बात वही मैं कहने लगा था कि कल बड़े लोगों ने एक चीज नोट किया, इफ्तिकार जो है वो बड़ा थका थका सा था, उसके चेहरे पे भी लग रहा था कि यार बड़ा थका हुआ है, ये मूड ही नहीं है खेलने का, और जिस तरह फिर वो खेला भी है, और फिर आपके हम यहाँ मैच दे रहे थे तो हमने भी देखा था, अब नोट किया था कि जो डबल्स बनती हैं उसमें वो सिंगल ले रहा था, तो ये अगर फिटनेस का इशू है तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को बड़ा नुकसान दे सकता है, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि फिर इफ्तिखार को तो आज चौथे पांचवे पे इंडिया को पिक कर रहे हैं। मैं इंडिया को पिक कर रहा हूं, चौथे पांचवे बड़ा मुश्किल काम है, मुझे लगता है कि चौथे पे मैं थोड़ा सा लिवरेज दे दूंगा रिजवान को, लेकिन नंबर 5 के ऊपर मैं केएल राहुल के साथ जाऊंगा। केएल राहुल क्योंकि जिसको कहते हैं ना इफ्तिखार अहमद परफॉर्मेंस, ऐसे मैच जितवाना पड़ेगा तभी कुछ होगा। नंबर 6 के ऊपर आता है हमारा सलमान अली आगा, तो उनके पास है हार्दिक पांड्या। नंबर 7 के ऊपर है शादाब खान, तो दूसरी तरफ जडेजा। जडेजा वर्सेस शादाब का करेंगे तो फिलहाल मैं शादाब को पिक करूंगा, प्राइम फॉर्म के अंदर चल रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, बल्लेबाजी भी कर रहा है, परफॉर्मेंस दिखा रहा है। लेकिन अगर बात करें हार्दिक पांड्या वर्सेस सलमान अली आगा, तो यहाँ पे दोनों के दोनों मारे नजर आ रहे हैं। ये दोनों का पांड्या भी आजकल कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही, और सलमान अली आगा तो वैसे ही शुरू हुआ है, तो मेरा तो ये दोनों का वीक स्पॉट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, दोनों टीमें कोई खास परफॉर्मेंस देती नजर नहीं आ रही। तो फिलहाल मैं समझता हूँ कि बल्लेबाजी इनकी नंबर 7 तक ही आती है, नंबर 8 के ऊपर तो बिजनेस कहते हैं ना वो आपके बॉलिंग ऑलराउंडर ही जाते होते हैं। हमारे पास उसामा मीर है, मोहम्मद नवाज, अगर नवाज खेलता है तो बल्लेबाजी स्ट्रॉन्ग है, उसामा मीर खेलता है तो फिर वो पावर हिटिंग है, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो वो, और इंडिया के पास शरदुल ठाकुर का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जिसको कहते हैं ना कंपैरिजन ये है कि ठाकुर वर्सेस नवाज करेंगे तो दोनों 50-50 मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैंने पिक किया है जी फकर जमान को एक पाकिस्तानी, रिजवान दूसरा पाकिस्तानी, और शादाब तीसरा पाकिस्तानी, और नवाज चौथा, ये हो गए मेरे। और वहां से पिक किया है मैंने रोहित को, विराट को, केएल राहुल को, और मैंने पिक किया है जी और किसको पिक किया मैंने, आपने केएल राहुल को पिक किया है, केएल राहुल के बाद मैंने जिसको कहते हैं ना 50-50 कर दिया था हार्दिक पांड्या का, वो 50-50 हो गया। हाँ तो ये मेरे ये वाले हो गए, और आपने भी मेरा ख्याल है कि आपने इंडिया के पिक किया रोहित, विराट, श्रेयस, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या 50-50। ये तो ये हमारा जैसा कहते हैं ना ओवरऑल अगर एनालिसिस करें तो किसकी बल्लेबाजी स्ट्रांग नजर आ रही है यार। वैसे बल्लेबाजी अगर आप देखें तो बैलेंस ही है, मुझे तो खास तरह फिर भी चूज तो करना पड़ना, फिर इंडिया की कर ले कितने परसेंट भाई, क्योंकि इंडिया की मैच ले कर रहे हो कोहली चल जाता है पाकिस्तान के खिलाफ, कोहली रोहित का तो मसला है, अगर कोहली ना ना चले पाकिस्तान के खिलाफ तो फिर मैं इंडिया की बैटिंग को खास नहीं समझ। मुझे भी जिसको कहता है ना कहना नहीं मैं चाहता, दिल से नहीं कहना चाहता, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान की बल्लेबाजी क्लिक करे, लेकिन ऑन पेपर देखा जाए ना, लेकिन हमारा वही बलिक भी सबसे बड़ा इशू है, हम पावर हिटिंग नहीं करते, पावर हिटिंग और कोलैप्स बड़ा करते हैं, मिडिल ऑर्डर हमारा कोलैप्स हो जाता है। मैं कहता हूँ कि हमारा बबल आउट होता है हमारी लाइन, मुझे लग रहा है फीलिंग आ रही है कि इंडिया की बल्लेबाजी जो है ना वो 5% 10% पाकिस्तान से बेटर नजर आ रही है, क्योंकि हालांकि उनका चौथा पांचवा अभी तक खेले नहीं है बड़े अरसे से, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है क्योंकि पिछली हिस्ट्री बड़ी खतरनाक है ना, तो ये मेरा लगता है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि इंडिया की बल्लेबाजी स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है। तो आपने जरूर कमेंट करके बताना है कि आपको किसकी टीम की ज्यादा मजबूती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान आज मैच कौन जीतना है, आपने दो ही प्रेडिक्शन की हुई है यार, मेरा ख्याल है पाकिस्तान पाकिस्तान जीत रहा है, मेरी 3-0 की प्रेडिक्शन है, तो पाकिस्तान ही आज जीत रहा है इंशाल्लाह। ऐसा कहते हैं मैच को एंजॉय करेंगे सबके साथ, थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।